So guys, we'll continue with section 261, escape from punishment, from confinement or custody negligently suffered by public servant. इसमें क्या कह रहा है कि escape किया है custody से, confinement से, कैसे हुआ, सफर हुआ पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, यानी कि पुलिस वाले ने अपनी हिरासत में बंदा रखा हुआ था लेकिन नेग्लिजेंटली, उसकी इंटेंशन नहीं थी, गलती से उससे एस्केप हो गया. ठीक है, ऐसी गलती होगी पुलिस वाले से, फॉर एग्जांपल 2 साल की हद तक की सजा. सेक्शन 262, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज ओन लॉफुल अप्रहेंशन. यहाँ पे ओन वर्ड नहीं लिखा, एरो मार के लिख लो ओन. रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन टू हिज लॉफुल अप्रहेंशन, टू हिज ओन ऑफकोर्स lawful apprehension, यानी कि whoever intentionally offers any resistance to illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offence. कि मतलब मुझे पुलिस पकड़ रही है, मैं resist करवा रहा हूँ, obstruction बाधा डाल रहा हूँ, अब ताकि मेरे को वो apprehend ना कर सके, arrest मार ना सकें, तो कितने साल की सज़ा, 2 साल की हद तक की सज़ा. explanation कहता कि जो पनिशमेंट इस सेक्शन में मिलेगी वो उस पनिशमेंट के एडिशन में होगी फॉर विच द पर्सन इज टू बी अप्रिहेंडेड और डिटेन्ड इन कस्टडी ही वॉज लेबल. जैसे कि किसी बंदे को 10 साल की सज़ा हुई थी, ठीक है, और उसने अप्रिहेंशन के टाइम पे रेजिस्टेंस पूरी ठोके करी, इतनी ठोके करी कि अब उसको सज़ा मिलनी चाहिए 2 साल की हद तक की. अगर उसको सज़ा मिलती साल की भी, 10 साल की पहले मिली हुई, तो 11 साल की सज़ा होगी उसकी. इन एडिशन सेक्शन 263, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अप्रहेंशन ऑफ अनदर पर्सन. अब इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस कर रहा हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि उस बंदे को अरेस्ट ना कर लें. ठीक है, कितने साल की हद तक की सज़ा, 2 साल की हद तक की सज़ा, ये बेयर में लिख लो पेंसिल से, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और जो बात आपने सीखनी है, समझनी है, वो जल्दी से सीख पाओगे, समझ पाओगे. कोई भी ABCD ऑफेंस है जिसकी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दी गई, उसके लिए 2 साल. स्पेसिफिक प्रोविजन जिसकी दी गई है वो आगे देख लेते हैं, स्पेसिफिक वाले. जैसे कि उस केस में, किस केस में, जहाँ पे अप्रिहेंड कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पनिशमेंट जो ट्राई हो रही है, जो ऑफेंस ट्राई हो रहा है, उसकी पनिशमेंट ही लाइफ या 10 साल की हद तक का, 3 साल की सज़ा. सी क्लॉज में आ जाओ, जिस ऑफेंस की सज़ा डेथ तक की है उसमें 7 साल की हद तक की सज़ा. डी क्लॉज में आ जाओ, ये थोड़ा सा फ़र्क है. अंडर दी सेंटेंस ऑफ कोर्ट जिसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 10 ईयर और अपवर्ड्स. अंडर दी सेंटेंस है, ऊपर वाले जो थे उसमें ऑफेंस जो ट्राई किए जा रहे थे उसमें पनिशमेंट इतनी से इतनी थी, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अंडर दी सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस यानी कि कन्विक्शन ही हो गई है, सेंटेंस चल रहा है. ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे वो सेंटेंस अंडरगो कर रहा है लाइफ इंप्रिजनमेंट की हद तक या फिर 10 साल या उससे ऊपर की, और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड 7 साल की हद तक की. क्लॉज ई सेम डी जैसा, लेकिन इसमें सजाए मौत के सेंटेंस से अंडरगो कर रहा है, उसका मतलब फांसी लगनी है. अकेला सेंटेंस ऑफ डेथ में से गो थ्रू हो रहा है, यानी कि उसको फांसी लगनी है अगले हफ्ते, तो उसके दौरान अगर वो ऐसा कर रहा है तो पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स. सेक्शन 264, ओमिशन टू अप्रिहेंड और सफरेंस ऑफ एस्केप ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन केस नॉट अदरवाइज. अब ये ऊपर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं सारे वैसे ऑफेंसेस जैसे ही, लेकिन ये जो एस्केप हुई, सफर हुई है, एस्केप जो हो गई है, ये हुई है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा. इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब ऊपर ऐसे केसेस प्रोवाइड नहीं किए गए. ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा वो बंदा छूट गया, लेकिन वो 259, 260, 261 में सरकमस्टेंस नहीं स्पेसिफाई किए गए. जो रह गए हैं उनमें अगर इंटेंशनली सफर किया एस्केप, अब और क्लैरिटी में चले जाते हैं. चलो सेक्शन 261 की अगर बात कर लें तो उसमें जो पब्लिक सर्वेंट से नेग्लिजेंटली सफर हो रहा है, ठीक है, एस्केप उसका, तो अगर इंटेंशनली कर रहा है वो तो 3 साल की हद तक की सजा, अगर नेग्लिजेंटली कर रहा है क्लॉज बी में जैसे बताया 2 साल की हद तक की सजा. सेक्शन 265 पे आ जाओ,
रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक टू लॉफुल अप्रिहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि रेजिस्टेंस करी और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल अप्रिहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन, मतलब जो सर्कमस्टांस ऊपर वाले सेक्शंस में सेक्शन 262, 263 में या किसी भी और कानून में नहीं बताया गया, ठीक है। सेक्शन 263 क्या बात करते थे कि रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें बंदा खुद की कर रहा है लॉफुल अप्रिहेंशन को रेजिस्ट, और 63 में था किसी और की को कर रहा है रेजिस्ट, ठीक है। ऐसे सर्कमस्टांस जो उसमें नहीं बताए गए, इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, उसमें 6 महीने की हद तक की सजा होगी। लेकिन इसके उदाहरण देख लो कि जैसे एक पर्सन जो एस्केप कर रहा है कस्टडी से, व्हेन बीइंग टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट टू फर्निश अ सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर, है ना। जो पहले वाले सेक्शन था उसमें ऑफेंसेस की बात करी गई है, ठीक है, सब्सटेंटिव ऑफेंसेस की बात करी गई है। लेकिन अलग केसेस, अदर सर्कमस्टांसेस, वो कौन से होंगे? ये तो मतलब आप सोचोगे ना कि यार ऐसे कौन से सर्कमस्टांस आ गए जिसका हमें नहीं पता। ऐसे सर्कमस्टांसेस सिक्योरिटी भी तो फर्निश करनी होती है गुड बिहेवियर की। जब जैसे एक 151, 107 CRPC सेक्शन, उसके तहत तो ये एक अलग सर्कमस्टांस बन जाता है, विच कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 265 BNS, समझ गए ना। इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, मतलब केस एग्जिस्ट ऐसे करते हैं लेकिन उनके लिए एक्सप्लिसिटली प्रोविजन नहीं दी गई पहले, तो वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। सेक्शन 266 वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट हुएवर, अच्छा कंडीशन है कि रिमिट कर देंगे पनिशमेंट को, ठीक है, कि अगर आप अपना गुड कंडक्ट शो करोगे तो आपकी जो बची कुची सजा है उसको हम रिमिट कर देंगे गुड कंडक्ट शो करने पर जेल के अंदर, सपोज कर लो, ठीक है, रिमिशन हो जानी थी पनिशमेंट की, लेकिन उस बंदे ने उसी कंडीशन को ही वायलेट कर दिया, गुड कंडक्ट नहीं शो किया, बैड कंडक्ट शो किया, लड़ाई की, ठीक है, सपोज करो, तो सजा होगी असली सेंटेंस वाली, ठीक है, कि मतलब जो रिमिशन होनी थी ना वो रिमिशन नहीं होगी, असली सेंटेंस वाली सजा होगी। अगर 6 साल की सजा हुई थी, सपोज करो 6 साल की काट ली, अभी उसके 2 साल माफ हो जाने थे लेकिन उसने ये वायलेशन करी, तो अकेली 2 साल की सजा अब वो काट के ही निकलेगा। 267 इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब वो जज है या जुडिशियल प्रोसीडिंग में बंदा एक सरकारी कर्मचारी बैठा है, उसको इतनी बुरी तरह से इंसल्ट किया, इंटरप्ट किया कि वो अपना काम ही ना कर पाए, ढंग से डिस्चार्ज ही ना कर पाए काम को, तो 6 महीने की हद तक की सजा। सेक्शन 267 पर्सोनेशन ऑफ असेसर, असेसर कौन होते हैं, जैसे कि किसी शिप की असेसमेंट के लिए असेसर गया, या कि कोई सिविल डिस्प्यूट है या सूट फॉर डैमेजेस है लगा लो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है शिप में, या फिर कुछ भी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर असेसर गया, या फिर ज़मीन के केस में मेजरमेंट करने के लिए असेसर गया, जो असेसमेंट करके बताएगा, अपनी असेसिंग रिपोर्ट देगा, उस बंदा वो असल में है नहीं लेकिन उसकी जैसा बन के इम्पर्सनेट किया कि मतलब मैं असेसर हूँ नहीं लेकिन मैं असेसर बन के चला गया और असेसमेंट रिपोर्ट दे दी झूठी, 2 साल के हद तक की सजा। सेक्शन 269 फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल बॉन्ड और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, अच्छा बेल बॉन्ड पर बेल हो गई थी, बेल बॉन्ड फर्निश कर दिए थे, कि मैं बेल बॉन्ड क्यों फर्निश करता बंदा, कि मैं हर तरीक पर पेश आऊँगा, ठीक है, हर तरीक पर मैं आऊँगा, ठीक है, या कोई भी कंडीशंस बेल की ऑर्डर में दी गई हैं उससे मैं कंप्लाई करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की के साथ कोऑपरेट करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, ठीक है। बेल बॉन्ड फर्निश कर दिए थे फिर भी कोर्ट में नहीं आया और सफिशिएंट कॉज भी कोई नहीं दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसका उसी के ऊपर था, 1 साल की हद तक की सजा। लेकिन ये पनिशमेंट जो होगी ना, ये होगी इन एडिशन टू द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, कि मतलब जब ऑफेंस की कन्विक्शन उसे होगी 10 साल की, और ये 1 साल की सजा उसके एडिशन में मिलेगी, कॉन्करेंट नहीं चलेगी, इन एडिशन स्पेसिफिक प्रोविजन दे दी है कि इन एडिशन, तो मतलब 11 साल की सजा होगी, ठीक है। विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ द बॉन्ड, मतलब पावर फॉरफिट, मतलब ये पावर कोर्ट के पास ही रहेगी, तो उसका बॉन्ड को फॉरफिट कर सकती है। आगे चैप्टर आ गया सेक्शन चैप्टर 15 XV 15 ऑफ ऑफेंसेज अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस
डिसेंसी एंड मॉरल्स। अच्छा ये अलग चैप्टर आ गया, चैप्टर 15 किससे डील करता है, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल्स, ये रट लेना क्योंकि पूछ सकते हैं। सेक्शन 270 किससे डील करता है, पब्लिक न्यूजेंस से डील करता है। एज इट इज ये सेक्शन पूछ लिया करेंगे, बता रहा हूँ याद करके रखना, वर्तन ऐसा नहीं था कि सारे सेक्शन। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूजेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन व्हिच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी डेंजर और अननोइस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु डिवेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी और व्हिच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी ऑफ सेकंड डेंजर पब्लिक न्यूजेंस। ऐसी हरकतें करना जो पब्लिक को या लोगों को जनरली उस एरिया में जो हैं उनको किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डेंजर हो सकता है या अनॉयंस इरिटेशन हो सकती है, या जो वो पब्लिक अपना पब्लिक राइट को एक्सरसाइज करना चाहती है उसके लिए ये सब हो सकता है। हु मे हैव द ओकेजन, ये जरूरी नहीं कि मतलब हो सकता है कि उनको ये राइट्स एक्सरसाइज करने में दिक्कत आए, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सिनेगा नॉन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि इंजरी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डेंजर आ सकती है या अनॉयंस इरिटेशन हो सकती है, वो पब्लिक न्यूजेंस में आता है। लेकिन बट अ कॉमन न्यूजेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज, कहता कि कॉमन न्यूजेंस को इस पॉइंट पर एक्सक्यूज नहीं दिया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उससे कुछ तो एडवांटेज हो रहा था ना, कुछ तो कन्वीनियंस हो रही थी ना, कॉमन न्यूजेंस एक्सक्यूज नहीं की जाएगी इस आधार पर कि कुछ एडवांटेज हो रहा था या कुछ कन्वीनियंस आ रही थी, नहीं, जनरल लोगों को तो दिक्कत आ ही रही थी ना। सो दैट इज इट, दैट वॉज इट फॉर टुडे, बाकी का हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। 271 onwards, थैंक यू।